नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जदयू के लिए मुसीबत बन चुके हैं। जदयू को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान जो नुकसान कर रहे हैं उसकी भरपाई कैसे की जाए। चिराग पासवान ने लोजपा की कमान संभाल लिया है और जदयू के खिलाफ एक अलग ही मोर्चा खोल दिया है। केंद्र में भाजपा के सहयोगी दलों में शामिल लोजपा बिहार में भाजपा और जदयू के एनडीए गठबंधन से बाहर हो गया है और जदयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चिराग पासवान ने लोजपा के उम्मीदवार वहीं उतारे हैं जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। हालांकि भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि चिराग के बागी तेवर के पीछे भाजपा का हाथ नहीं है, यह चिराग का अपना खुद का फैसला है। बहरहाल इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन चिराग पासवान के इस रवैये से जदयू को ही नुकसान है। हालांकि अभी तक चिराग ने भाजपा के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। यही कारण है कि लोग भाजपा को लेकर यह कयास लगा रहे हैं कि इसके पीछे भाजपा का कुछ न कुछ किरदार जरूर है। लोग तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि लोजपा को पूर्व जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर हांक रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से गायब हैं। चिराग पासवान ने अभी हाल ही में अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक धन्यवाद संदेश लिखा है। चिराग ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा, जबकि नीतीश कुमार भी रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि भाजपा के नेता चिराग पासवान के जदयू के प्रति बागी तेवर के लिए प्रशांत किशोर को दोषी मान रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि चिराग पासवान के पीछे वो नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को मूर्ख बना रहे हैं। जदयू के नेताओं का भी मानना है कि चिराग पासवान के ऊपर किसी न किसी का तो हाथ है, वरना चिराग पासवान जदयू का विरोध इतना निश्चय के साथ नहीं करते। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से कहा कि वो इस बार बिहार विधान चुनाव में किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनका चिराग पासवान के साथ आखिरी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर ही हुई थी। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा अपना दोष छुपाने के लिए मेरे नाम का उपयोग कर रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार भाजपा के नेता यह बताएं कि चिराग पासवान अपना निर्णय लेने से पहले क्यों बार बार अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। बताते चले कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से अलग हैं। 2018 में नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जदयू का उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद उनसे यह पद वापस ले लिया गया था। उसके बाद से ही प्रशांत किशोर बिहार से गायब चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज।